नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष झा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद से। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे ACL यानी एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट की इंजरी की। अगर हम घुटने को देखें तो घुटने में मूलतः चार मुख्य लिगामेंट होते हैं। सामने ये लिगामेंट हम पटेली बोलते हैं। साइड की तरफ, बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। अंदर की तरफ एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है। और अगर घुटने के अंदर हम झांक कर देखें तो यहाँ पर सामने एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट कहते हैं, और बैक साइड में इसका इक्विवेलेंट पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट होता है। तो आज हमारे चर्चा का विषय है एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट यानी ACL। ACL की इंजरी आजकल बहुत कॉमन है और ये नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाती है। लेकिन एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स भी होते हैं जिसमें ACL की इंजरी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी जाती है, और वो होते हैं बाइक एक्सीडेंट वाले मरीज़। जब कभी भी हमारा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है और घुटने के ऊपर सडन जर्क आता है तो उस स्थिति में ACL या PCL या अन्य लिगामेंट चोटिल हो जाते हैं। ACL की इंजरी एक ट्विस्टिंग मैकेनिज्म के कारण होती है। जब घुटना आपस में बेंड करता है और साथ में रोटेट करता है तो उस स्थिति में ACL इंजर्ड हो जाता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआती स्टेज में जब हमारे घुटने पर चोट आती है तो घुटना सूजा हुआ रहता है, उसके अंदर ब्लड भर जाता है जिसे हम हीम आर्थ्रोसिस कहते हैं। अगर साथ में अन्य लिगामेंट भी चोटिल है तो पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द और स्वेलिंग रहती है जिसके कारण चलना फिरना बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर की जाँच के बाद जब हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें ACL की इंजरी हो रखी है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसमें बर्फ़ की सिकाई और जॉइंट के अंदर से जो जमा हुआ खून है उसको निकालने की प्रक्रिया जिसे एस्पिरेशन कहते हैं, ये रिकमेंड करते हैं। साथ ही इसमें एक कच्चा प्लास्टर या फिर नी के लिए सपोर्ट रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद जब मरीज की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और वो चलना फिरना शुरू करता है तब उसके जो ACL की लिगामेंट है जिसकी डिफिशेंसी अभी तक बरकरार है उसके कारण उसे चलने में इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम समझ आती है। इंस्टेबिलिटी एक ऐसी समस्या होती है जिसका मतलब है कि मरीज जब चलता है तो साधारणतः सामान्य प्लेन सरफेस पे चलते वक्त उसे कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे चलने पे या जब पैर गड्ढे में जाता है तब या सीढ़ी से उतरते वक्त उसे एक भय सा महसूस होता है कि उसका घुटना बेकाबू हो जाएगा। और अक्सर मरीज ये भी कहते हैं कि चलते चलते घुटना अपने आप ही ट्विस्ट कर गया। जब यह स्थिति आती है तो उसे हम ACL इंसफिशियंसी से उत्पन्न होने वाली इंस्टेबिलिटी कहते हैं। और जब भी ये इंस्टेबिलिटी के एपिसोड होते हैं तो घुटने के कार्टिलेज को और मेनिस्कस को फर्दर डैमेज करते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम ये रेकमेंड करते हैं कि अगर ACL इंजरी जिसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आप पूरी तरह उबर चुके हैं और उसके बाद चलने के बाद आपको इंस्टेबिलिटी महसूस होती है तो उसमें हमेशा आप सर्जरी का ऑप्शन चुनें। सर्जरी एक बहुत ही कामयाब तरीका है। इसमें हम दूरबीन के ज़रिए नया लिगामेंट बनाते हैं जिसको बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू यानी ऐसे स्क्रू जो शरीर के अंदर ही घुल जाते हैं उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसके रिकवरी के स्टेजेस होते हैं। मरीज को फिजियोथेरेपी के ज़रिए 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिकवरी हो जाती है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो वापस खेलना चाहे तो 3 से 6 महीने के इंटेंसिव फिजियोथेरेपी के बाद वो वापस स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ACL की लिगामेंट इंजरी की सर्जरी अनिवार्य नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ACL लिगामेंट इंजरी के बाद आपको इंस्टेबिलिटी आ रही है तो रिकरेंट इंस्टेबिलिटी के कारण बहुत जल्दी आपके घुटने के कार्टिलेज डैमेज हो सकते हैं जिससे अर्ली स्टेज में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आए मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद और अपने ACL इंजरी की डिटेल इवेल्युएशन कराएँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी टीम पूरी तरह से सक्सेसफुल ACL रिकंस्ट्रक्शन करने में सक्षम है। धन्यवाद।